हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं अभय शांडिल्या फिर से आपके सामने केमिस्ट्री शुरू कर रहा हूं। और केमिस्ट्री में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, और आप भी पढ़ेंगे क्योंकि आप हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। चैप्टर का नाम है बच्चों एसिड, बेस एंड साल्ट, है ने? असली मजा तो गोलगप्पे में है ने? जो गोलगप्पा खाते हैं वो जो पानी बनता है, पानी में क्या रहता है? एसिड मिला हुआ रहता है, जिसके कारण उसका स्वाद खट्टा है ने? बेबी को बेब पसंद है, बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है ने? तो बेस क्या है? यहाँ देखा जाए बच्चों, बेस है ने? अब बेबा को क्या पसंद है? साल्ट पसंद है ने? जिंदगी का मजा गोलगप्पे में है। अब बेबी को बेस पसंद है और बेबा को साल्ट पसंद है। तो बच्चों हम लोग आज पढ़ते हैं क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एन एसिड, है ना? क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एन एसिड, है ना? क्लासिकल कंसेप्ट। इसमें पहला पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे? एन एसिड आर सबस्टांस विच, पहला पॉइंट बच्चों, हैव सावर टेस्ट, कहता है जिसका स्वाद खट्टा होता है ना? बहुत सारा चीज का यूज आप खाते हैं, हम भी खाते हैं। आज जो है एसिड बेस साल्ट में आपको भी खिलाएंगे और मैं भी खाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंगो है, कच्चा मैंगो जो है आप खाइएगा तो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। ऑरेंज है, नींबू है, बहुत सारा चीज है जिसमें जो है टोमेटो है ना? ये सब में एसिड होने के कारण इसका स्वाद क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है, सावर होता है ने? और जिसका स्वाद सावर होता है वो सभी उसमें एसिड पाया जाता है। दूसरा पॉइंट बच्चों लिखा जाए, टर्न ब्लू लिटमस पेपर इन रेड, कहता है जो नीले लिटमस पेपर को यानी नीले लिटमस पत्र को रेड कर देता है क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। तो बच्चों तीसरा पॉइंट लिखा जाए, हैव कहता हैव कैपेसिटी टू डिजोल्व इन सो मेनी सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस में डिजोल्व करेंगे एसिड डिजोल्व हो जाएगा, है ने? इसके बाद रिएक्ट विथ बेस टू गिव साल्ट, और कहता है अगर इसको बेस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो साल्ट बनता है। साल्ट क्या है? नमक है, इसका स्वाद नमकीन होता है। जैसे मान लिया बच्चों HCl है ना?
NaOH से अभिक्रिया करता है, है ना। और याद रखिएगा जिस कंपाउंड में OH है वो सभी बेस होता है, क्षार होता है, यानी एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस है, ये दोनों अभिक्रिया करता है Na और Cl, ये दोनों को एक साथ कर दीजिए NaCl प्लस H2O। NaCl जिसका इस्तेमाल हम लोग पर डे डेली करते हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल साल्ट, जिसका यूज हम लोग डेली करते हैं नॉर्मल साल्ट। इसी का एक और नाम है बच्चों, इसको कहते हैं टेबल साल्ट, है ना। होटल में जाइएगा नाश्ता पानी करने के लिए, कभी काल मुझे भी ले चलेंगे, ठीक है, साथ साथ नाश्ता करेंगे, है ना। होटल में जहाँ बैठेंगे वहाँ टेबल पर नमक का एक डिब्बा रखा हुआ रहेगा, उसमें नमक रहेगा, मांगने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से इस साल्ट का क्या नाम है, टेबल साल्ट, है ना। यानी पूछेगा नॉर्मल साल्ट को टेबल साल्ट क्यों कहा जाएगा, तो आप बता सकते हैं बच्चों, है ना। अब एग्जांपल में बहुत सारे एसिड है, अभी तुरंत देखे HCl है, H2SO4 है, H2CO3 है, HNO3 है, HNO2 है, H3PO4 है, ETC। ये सारा क्या है बच्चों, एसिड है जिसका स्वाद सावर होता है। तो बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। असली मजा तो क्या चीज में है बच्चों, गोलगप्पे में है। अरे आप लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, मत खाइएगा, है ना, ज़्यादा मत खाइए, लेकिन ज़्यादा नहीं खाइए, क्या होगा उससे बहुत सारा बीमारी होगा, डिहाइड्रेशन होगा, पेट खराब होगा। थोड़ा बहुत खाया कीजिए। सम ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर एसिड, एग्जाम्पल में लिख लीजिए CO2, है ना। CO2 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कार्बन डाई ऑक्साइड, या इसी का एक और नेम है, क्या है बताइए, ड्राई आइस, सूखा बर्फ है। तो आपसे पूछेगा CO2 एसिड है कि बेस है, तो क्या बताएंगे, एसिड है। इसके बाद है SO2, इसका क्या नाम है बच्चों, सल्फर डाई ऑक्साइड, है ना। इसके बाद N2O5, इसका नाम है नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। तो कहता है कुछ जैसे जो हो गया सम ऑक्साइड ऑफ मेटल, नहीं बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना, यहाँ लिख दीजिएगा नॉन मेटल, क्या लिखेंगे, नॉन मेटल, है ना, क्योंकि कार्बन का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है और नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, तीनों नॉन मेटल है, यानी कुछ ऑक्साइड जो है नॉन मेटल का एसिडिक इन नेचर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड, यानी एसिड का वर्गीकरण। तो एसिड को कई पार्ट में बांटा गया है बच्चों। पहला है मोनो
बेसिक, मोनो बेसिक, मोनो मीन्स वन, यानी जिसका बेसिसिटी वन हो, यानी कोई भी एसिड जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो उसका बेसिसिटी वन होगा और वो एसिड का नाम होगा मोनो बेसिक। जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HNO3 हो गया, है ना, ये सभी मोनो बेसिक है। देख लेते हैं HCl, है ना, HCl को डिसोसिएट करेंगे तो H पर प्लस और Cl पर माइनस होगा। अब बताइए HCl कितना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ओनली वन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। HNO3 देख लीजिए, नाइट्रिक एसिड जिसका नाम है ना, एक हाइड्रोजन है तो रिप्लेस वन करेगा, NO3 पर माइनस। HF को देख लीजिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, H पर प्लस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और फ्लोरीन पर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो मोनो बेसिक मीन्स क्या हुआ, जिसका बेसिसिटी वन हो, वह एसिड जिसका बेसिसिटी वन हो। बेसिसिटी क्या पूछेगा आपसे, कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, जितना हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा उस कंपाउंड का बेसिसिटी कहलाएगा, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है बेसिसिटी वन। यहां तक नोट किया जाए बच्चों। अब बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, डायबेसिक, है ना, तो लिखिए डायबेसिक। डायबेसिक मीन्स क्या होता है, जिसमें बेसिसिटी क्या हो, दो हो, है ना। दूसरा डायबेसिक एसिड, है ना, जैसे एग्जांपल में लिख लीजिएगा H2SO4 है, H2CO3 है, H2SO3 है। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं H2SO4, है ना, H2SO4 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, यहाँ बच गया HSO4। कहता है कि जब तक पूरा हाइड्रोजन नहीं निकलता है तब तक जो है आपका डिसोसिएशन चालू रहता है ना। अब देखिए HSO4 माइनस है, इसमें एक हाइड्रोजन निकलेगा एच प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा SO4 माइनस टू हो गया, यानी H2SO4 दोनों स्टेप मिला करके कितना बेसिसिटी हुआ बच्चों, दो हुआ, यानी इस रिएक्शन से पूछेगा बेसिसिटी क्या है, दो होगा, है ना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं H2CO3, है ना, एक स्टेप फर्स्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन का रिप्लेस होगा, यहाँ बच जाएगा HCO3 माइनस, ठीक है। इसके बाद HCO3 माइनस है, फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, CO3 पर माइनस टू हो जाएगा, है ना। इसी के साथ हम लोग देखते हैं इसका बेसिसिटी क्या हो गया, वन, और वन क्या होगा, टू होगा, है ना, इसलिए इस एसिड को क्या कहते हैं, डायबेसिक एसिड। पूछेगा डायबेसिक एसिड क्या है, तो कहेंगे जिसका बेसिसिटी क्या हो, टू हो। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं तीसरा, ट्राइबेसिक एसिड, यानी ट्राइबेसिक मीन्स क्या हो गया, जिसका बेसिसिटी थ्री हो। एग्जांपल में लिख लीजिए H3PO4, है ना, इसमें देखिए तीन हाइड्रोजन है, रिएक्शन तीन स्टेप में होगा, है ना, H3PO4 रिवर्सिबल है, इसका मतलब बोथ साइड रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, दोनों साइड से अभिक्रिया होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, यहाँ बच जाएगा H2PO4 माइनस, है ना, फिर जो है H2PO4 माइनस का डिसोसिएशन होगा, फिर एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा, यहाँ बच जाएगा HPO4 दो माइनस, फिर है HPO4 दो माइनस रिवर्सिबल रिएक्शन, HPO4 बच जाएगा, इस पे कै
नीले नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, है ना, थ्री चार्ज माइनस थ्री होगा, है ना। देखिए तीन स्टेप में हुआ, यानी बेसिसिटी क्या हुआ इसका, बेसिसिटी क्या हुआ, थ्री हुआ, यानी नंबर ऑफ रिप्लेसिबल जितना हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा उस कंपाउंड का वह बेसिसिटी कहलाएगा, ठीक है। यानी बेसिसिटी के आधार पर एसिड को तीन पार्ट में बांटा गया, मोनोबेसिक, डायबेसिक एंड ट्राइबेसिक, है ना। बेबी को क्या पसंद है बच्चों, बेस पसंद है, ठीक है, यहाँ तक नोट किया जाए। अब बच्चों लिखा जाए कि इसके बावजूद भी एसिड को और भी कई पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, तो लिखेंगे एन एसिड आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, है ना, एन एसिड को और भी दो पार्ट में बांटा गया है बच्चों। पहला है हाइड्रा, हाइड्रा एसिड, और दूसरा है ऑक्सी एसिड। हाइड्रा एसिड तो आप जान ही रहे हैं कि इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला हाइड्रोजन है, ऑक्सी एसिड है तो इसमें आप देख खुद ही देख रहे हैं ऑक्सीजन है, इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला ऑक्सीजन है। जैसे हम लोग देखते हैं हाइड्रा एसिड में HCl हो गया, है ना, HBr हो गया, HF हो गया, HI हो गया, यानी ये एसिड क्या कहलाएगा बच्चों, हाइड्रा एसिड, यानी वह एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। इसमें ऑक्सीजन है बच्चों, नहीं, तो वैसे एसिड को हाइड्रा एसिड कहेंगे, है ना। यानी हाइड्रा एसिड में हाइड्रोजन मुख्य भूमिका निभाएगा बच्चों, लेकिन ऑक्सी एसिड में कहता है कि इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी हो, फिर भी ये ऑक्सी एसिड कहलाएगा, है ना। जैसे HNO3, देखिए हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, H2SO4 है, देखिए हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन है, H2CO3 हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन है, HNO2 नाइट्रस एसिड जिसको कहते हैं हाइड्रोजन भी है और क्या है बच्चों, ऑक्सीजन भी है, है ना। यहाँ ETC लिख दीजिए, यहाँ भी ETC लिखिए, मैंने इसके बावजूद भी और एसिड है। तो हाइड्रा एसिड ऑक्सी एसिड समझ में आया, समझ में आया तो बच्चों इसको नोट किया जाए, इसके बाद आगे हम लोग और पढ़ेंगे, है ना। अब कहता है बच्चों एन एसिड आर ऑल्सो क्लासिफाइड इंटू टू पार्ट्स, है ने, इसके बावजूद हाइड्रा और ऑक्सी के बाद भी दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, और दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड में बच्चों जैसे हो गया H2SO4, HNO3 और HNO2, H3PO4, ये सब हो गया मिनरल एसिड। मिनरल मीन्स होता है खनिज से प्राप्त होता है, और बहुत ही स्ट्रॉन्गर एसिड होता है बच्चों, है ना। मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। या फिलहाल याद रखिए मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, है ना। ऑर्गेनिक एसिड आर वीक, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने पीने, अब बेबी को बेपसंद है उसमें इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक एसिड का यूज करते हैं, है ना। गोलगप्पा में कौन एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड ही पाया जाता है जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने पीने। लेकिन ये सब एसिड का इस्तेमाल अगर खाने में और पीने में और लगाने में करेंगे तो इस धरती से आपका उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग लोग चले जाएंगे। वही केमिस्ट्री किसी और टीचर से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है बच्चों। इसलिए इसका इस्तेमाल कभी ना करें, है ना, ना खाने में करें, ना पीने में करें, ना किसी को परेशान करने में करें, है ना। ऑर्गेनिक एसिड HCOOH
फॉर्मिक एसिड है ना, कभी गलती से रेड एंट में पाया जाता है, लाल चींटी में पाया जाता है, मुंह पर अगर लीजिएगा उसको चिबाइएगा खट्टा लगेगा, आप देखिएगा खा के है ना खट्टा लगेगा, यानी लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड या C2H5COOH प्रोपियोनिक एसिड है ना, इसका नेम आईपैक नेम क्या होगा बच्चों, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड है ना। और जिस यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में फंक्शनल ग्रुप सी डबल ओ एच हो वो सभी एसिड कहलाएगा, और वो सभी बिक एसिड कहलाएगा। वो जो है किसी न किसी किसी वस्तु में या किसी जीव से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ रेगुलर क्लास करें, अनवरत प्रयास करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ बच्चों धन्यवाद, ईश्वर आपको मदद करें, आप खूब आगे बढ़ें। ठीक है।